और हम यहाँ पर ले सकते हैं नाइट्रोजन है कार्बन है ऑक्सीजन है ये कभी भी लॉस नहीं होते फ्रॉम द इकोसिस्टम। क्यों नहीं होते क्योंकि ये रिसाइकल्ड हो, होते रहते हैं टाइम रिसाइकल्ड होते हैं, टाइम एंड अगेन इनडेफिनेटली तो ये जो सीरीज है ये जो साइकिल है ये हमारे न्यूट्रं साइकिल कहलाएंगी डिफाइन करें हम न्यूट्रं साइकिल को सो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रंस यहाँ पर न्यूट्रं की मूवमेंट होगी एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और किसके थ्रू मूवमेंट होगी जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके द्वारा जैसे कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट लें वाटर है एटमॉस्फेयर है ये सभी कंपोनेंट्स हैं अब यहां पर गैशियस साइकिल लें तो गैशियस साइकिल क्या होती है यहां पर जो मेन रिजर्वायर होगा गैशियस साइकिल का वो क्या होगा या तो एटमोस्फेयर होगा या फिर यूजली क्या होता है हाइड्रोस्फेयर होगा अब एग्जाम्पल लें हम गैशियस साइकिल का कार्बन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं और नाइट्रोजन साइकिल हम यहाँ पर ले सकते हैं ये हमारे गैशियस साइकिल के एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें अब सेडिमेंट्री साइकिल क्या होती है तो यहाँ पर जो मेन रिजर्वयर होगा वो क्या होता है अर्थ होंगे तो मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज अर्थ एग्जांपल ले हम यहाँ पे लाइक like, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर रॉक्स होंगे मेन रिजर्वायर अब सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है तो सल्फर साइकिल का हम एग्जांपल ले सकते हैं और हम फॉस्फोरस साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं ओके थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर